तो खुद को बचावने ध्यान रखते है वो है मो प्राण बेटी जो, और ऊपर से शांति से पूजा करू ली माता ने परेशान कौन करू, और वे बिजी हो रहे थे खापा में गौ माता तो, और मो प्राण से पूजा कर रही जो डरती डरती हम सिंदूर चढ़ा रही जो। यहाँ पे गाजर बोर ले जो, यान खिलावला गाजर बोर आगे देख जो, अभी उपराना आवला आशीर्वाद दे भाई नी बहुत बोला जा गाय माता बहुत अच्छा जा, बिल्कुल भी सींग विंग कौन मारा है, मतलब सींग पहना वाला सींग जा देखते है डर लाग रहे जो, पर सींग कौन मारा मैं डुगु डर तो देख रहे जाए फिर भाग जाओ जाए अरे हम गाजरा खुआ दे जा गौ में 36 करोड़ देवी देवता रहे हो जाए, तो गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए जो माने, और आशीर्वाद लेना चाहिए गौ माता को। मैं डुगू की लंबी उम्र पे उसका तिलक कर रही हूँ भोलानाथ को, और उसका मोली बांध रही हूँ, ये बहुत शुभ मान्य जाओ जे पूजा करे पाचे माने बच्चा का पति का परिवार का सदस्य का सबका तिलक काटना चाहिए और डोरो बांधना चाहिए रक्षा सूत्र। तो हमारी दादी जी हैं, इनके पीछे बाड़ा है जिसमें मंदिर के पीछे गायों को रखा है इन्होंने, बहुत सारी गाय हैं और ये बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। आप बताओ गाय को कैसे क्या क्या ध्यान रखते हो? गाय का तो बहुत ध्यान रखते हैं, पानी पिलाना है, बहुत ज्यादा करना है, सारा आदर से कम बांधना पड़ता है, बांट पिलाना है, बांट पड़ना है, पानी पिलाना है, वहाँ बांध यहाँ से वहाँ बांध, सारे दिन लगे रहे हो जो थे मैं तो कहीं घूमता भाई मारे बाबा करे छे ना तो हमारे दादी जी चाहिए यहाँ की बाबा संभाले चाहिए गाय ना, तो गाय देखो ये दूध काटे चाटली दो, तो देखो ये चाहे काली गाय और ये गाय गाय चाहे और ये देखो अंडी यार, नाम भी कार्ड मिले जोगे नाम से क्या कहीं राधा रुकमणे है तुम मंदिर की गाय का नाम तो ये ही मिला था ना, राधा रुकमणे जसोदा चाची जी से ना सब्जी बना रहे थे जल्दी जल्दी, आज काय की सब्जी बना रहे थे आलू की सब्जी बन रही थी भाई, और दादी जी चाय पी रहे थे अरे ये चाची जी ने मारा कप ने मार चाय का कप ने पीछे छुपा लिया कि ममता भूल जाओ तो मैं पी लू ली दादा का ब्याह का माने यही बच्चा बच्चा बहुत दुखी चला कच्चा कच्चा ये मंदिर पापा जी की ऑफिस के पास में है, पापा जी लंच ब्रेक में मंदिर की सेवा पूजा करवा आओ चा, जिसु दादी जी मारे पापा जी ने धर्म को बेटो बना रखा जाए, और माँ ने अंडा आता 25 साल होगा, और ये देखो भांग उठ रही जाए ये मंदिर में आया आग को व्यू जाए आगड़ी भांग बना रहे जाए सब भोलानाथ की प्रसादी तैयार हो रही जाए, तो ते देखो कतरी भीड़ लाग रही जाए, ये भांग घुट रही जाए एक माइन चीनी मिला के भांग न घोट रहा जाए निका एकदम बारीक घोटला फिर इन तैयार कर ला भोलानाथ का प्रसादी छड़ ली, ये सब सहयोग कर रहा जब प्रसादी बना पाना ये भांग घुट रही जाए भोलानाथ भी है ना ये भोलेनाथ का प्रसाद है और ये पूरी ताकत लगा दी इन्होंने ये काय मिला रहे जी मैं चीनी अच्छा हाथ जोड़ो काली पूजा।
ਕਿਹੜੀ ਚੜਾ टुकु जय बोलो की जय टुकु इधर आओ हनुमान जी के हाथ जोड़ो ढोक दो इधर आओ तो ना बोला नाथ को गीत गार बताओ ला चाची जी मने तो देखा सुना जा गीत चाची जी का मुंह चाची जी हाँ सो मत देखो आयो मत करो चलो आप गीत सुनाओ पीले रे होली में गांजो पीले रे सदा शिव बोला यमली गांजो पीले रे काई में बाऊ थारा बांग दे थूरा काई में बाऊ थारा बांग दे तो काई में बाऊ लड़े गांजा की गांजो पीले रे गांजो पीले रे सदा शिव बोला यमली गां ऊंचा पहाड़ा में बैठो भोलेनाथ से गाई मारी वाई करना ऊंचा पहाड़ा में बैठो भोलेनाथ से गाई मारी वाई करना ये गीत काहे को मानो चाची जी याद की भोलेनाथ की शादी के साल गिरा है आज के दिन पार्वती जी का और भोलेनाथ की शादी अच्छा तो आज के दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी हाँ। तो वहाँ को ऊपर में गीत गा दिया वहाँ की शादी की एनिवर्सरी मना दिया और अंदर भांग भी घुट रही है भांग घुट रही थी अंदर भांग को भी गीत गा दिया मैं हाँ। और बता दो कहीं काई माल बढ़ रहे थे भांग बढ़ रही है पूजा हो रही है और आज पूरी रात यहाँ पूजा होगी क्योंकि आज शिवरात्रि है कहने में बोलते शिवरात्रि है इसलिए आज पूरी रात्रि पूजा चार पहर की पूजा होगी चार पहर की पूजा होगी चाची जी बता रहे हैं यहाँ पे और शिव जी की आज शादी थी पार्वती जी के साथ तो आज पूरी रात शादी का प्रोग्राम चलेगा शिव जी का हाँ अच्छा तो बता रहे हैं चाची जी की अभी और पंडित आएंगे और पूजा चलेगी अच्छी वाली शिव जी को प्रसन्न किया जाएगा तो बोला तो नीचे उतरा ना आज नीचे उतरा बोला तभी तो पढ़ना ना पार्वती जी बोला है चाची जी गिर रहे तो बोला नीचे उतरा ला तभी तो पढ़ना ला पार्वती जी ने पकड़ेगा प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं यहाँ पे यात्री बाबा का प्रसाद हर साल ले दो पहली बार ले रहे हो पहली बार ले रहे हो ये बहुत एक्साइटेड है बाबा का प्रसाद लेने के लिए ये इनकी बेबी है ये भी वेट कर रही है पापा ये दूध मिला रहे हैं इसमें क्या क्या डाला है भांग में बता दो दूध भांग पानी बादाम काजू किशमिश पिस्ता इलायची चीनी बाबा की प्रसादी है बोले तो ये बाबा की असली प्रसादी है महाशिवरात्रि की मेहनत ये कर रहे हैं बनाने में ये देखो कितनी मेहनत कर रहा है तो बाल्टी पूरी भर के देख लो फिर दूध तो नहीं आएगा अरे चीनी की रब दे बता लो दूध बढ़ो जोर पड़ो डबल पानी बढ़ो जोर डबल पानी के दूध और बढ़ो चीनी बोले की भांग है बोले की चढ़ाई हुई है हाँ? और अब हम सब है ना तो व्रत खोलेंगे ना तो उससे पहले ये पियेंगे अच्छा उसके बाद हम व्रत खोलेंगे तो चाची जी हैं खेरिया जे कि अब भांग जे ना इन ले रही व्रत खोल जो तो मार बेचे ना बोतल में डाल रहे थे मैं तो बाहर ले रही जी पर मैं गेला में रह जाऊंगी तो गरा जा ले ओला ही ना ये बोले की असली प्रसादी है और मैं पहली बार ट्राई करवा ली जो गरा जा रही
और चाची जी ते पूरा जगन पिया लागे तो पहले रोटी वोटी खुआ दीजिए चोर चोरा नन्नी चोर चोरी भूख कर रह जाओ तो चाची जी सन जगन गड्ढा करे और सो वाला दे और ये बेटी इंतजार कर रही जब मम्मी पिए लिया मैं कर पड़ा तो ये डुगू ने प्रसादी मिल रही जा भांग की पी जा बेटो चिड़ना मत तो ये चाची जी गट्टा कर रहा था चोरो चीख दियो स्वाद तो खूब है स्वाद तो खूब है।